कि वो उचाना को भी दोबारा से जिताकर जो है चैन से बैठेंगे। ऐसे सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उपस्थित मुझसे पहले अपनी बात को रखने आए आपके लोकप्रिय नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उनसे पहले वक्ता के तौर पे अपनी बात को रख रही और पूरे प्रदेश में जिस तरह से उनकी कार्यशैली को मैंने देखा, महिलाओं को घर घर जाके संगठित करके अपने हक अधिकारों के लिए तैयार कर रही श्रीमती नैना चौटाला जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय चौटाला जी जो आज आशीर्वाद देने के लिए यहां पहुंचे हैं और उनके साथ हमारे जिला अध्यक्ष जी राठी जी जोरा जी और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय राणा जी, अमित मुवाल जी, नरेश जी, रमेश जी, मनोहर लाल जी, निशु जी, संदीप जी, अमरजीत जी, नरेंद्र जी, सुशील कुमार जी, संदीप कुमार जी, विकास जी, बलकार सिंह जी, दिलबाग सिंह जी, रविंदर सिंह जी, जोनस जी, सुभाष जी, मोहम्मद ताहिर जी, सुरेंद्र जी, पोलू राम पुनिया जी, सुखदेव मेहरा जी, रेणु आजाद जी, किरण पुनिया जी, नसीब जी, इन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूं। अपनी बात को शुरू करते हुए सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी आज राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, संत राम बी ए प्रजापति, चौधरी महाराज सिंह भारती, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवा, जननायक चौधरी ताऊ देवीलाल, मेरे राजनीतिक गुरु मान्यवर साहब काशीराम और मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को भी नमन करता। सम्मानित महान जनता, ये लोकतांत्रिक देश है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। पहले इस देश में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, भाले चलते थे, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग परिवारों का प्राणों का बलिदान करते थे, तब जाके राज बदलता था। धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का, जिन्होंने हर बालिग व्यक्ति की उंगली में वो ताकत दे दी है कि बटन दबाओ और राज बदल दो। जिस काम के लिए पहले हजारों हजारों लोग बलिदान होते थे, आज ना किसी को बुरा कहना है, ना लाठी चलानी है, ना ही कोई साजिश करनी है, बस अपने विचार को जनता के बीच ले जाके जनता को तैयार करना है और लोगों को विचार के आधार पर संगठित करना है। आज इस प्रदेश में अलग अलग विचारों के दल काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भाजपा के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं मैं और भाई दुष्यंत चौटाला, जननायक ताऊ देवीलाल और मान्यवर काशीराम साहब के किसान कमेरा की एकता के राज को आगे लेकर चल रहे हैं। एक समय था हरियाणा के लोगों और हरियाणा
दिल्ली की राजनीति हरियाणा से चलती थी। जब किसान का मेरा एकजुट था तो दिल्ली की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला हरियाणा में होता था, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे कौन बैठेगा, बिहार की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला हरियाणा में होता था। लेकिन आज हरियाणा की कुर्सी पे कौन बैठेगा इसका फैसला दिल्ली से होता है कि 9.5 साल कौन बैठेगा और बाद के 3-4 महीने कौन बैठेगा और आने वाले कल में कौन बैठेगा। आज हरियाणा के बल को क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुश्मन की साजिश का शिकार हो गए हैं। दुश्मन चाहता है कि दिल्ली से हरियाणा चले और उनके कठपुतली मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठ के हरियाणा के विकास के पैसे को दिल्ली भेजने का काम करें। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ताकत दोगे तो हरियाणा का पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, बल्कि दिल्ली में रखा आपका पैसा हरियाणा के विकास के लिए लगने का काम होगा। एक समय था, वो समय आपकी वजह से पीछे हट गया, आप इन राष्ट्रीय दलों के चक्कर में आ गए और ये झूठे वादे आपसे करते रहे। इनके मैनोफेस्टो देखना, ये अपने मैनोफेस्टो के 4 काम पूरे नहीं करते फिर भी आप उनके पिछलोग्गू बनने का काम करते हो। भाई दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना मारे छाव में गिरे बगाना मारे धूप में, मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है, जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। 30 साल मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं इस बात को कहता हूं, मैं मंचों से नहीं कहता, 30 साल के थे वो जब वो आपके बीच मैदान में और परिवार किस हालात में था आपने देखा। चाहते तो यहां से इधर उधर की सोचते, लेकिन आपके बीच में आए और मैंने कार्यशैली देखी दोनों भाइयों की, ऐसे नहीं हुआ गठबंधन कि इन्होंने कह दिया गठबंधन कर लो। जो काम इन्होंने किया, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, इस तरह से जो काम इन्होंने 4.5 साल में किया, उस काम को पैमाना बना के लाइंस हुआ कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हरियाणा के एक एक घर में खुशहाली आ सकती है, हरियाणा के किसान कमेरों की बात दोबारा मजबूत हो सकती है। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसे पीछे ना रहे।